हाय गाइस, आपका अपने चैनल की 90s में स्वागत है। मैं शिवम सर आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आया हूँ जो कि आप सभी को जानना ज़रूरी है। जैसा कि इस चैनल पे जो नए आए हैं, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि EVM क्या होती है। जैसा कि मेरा टॉपिक है EVM मशीन, ठीक है, तो EVM के बारे में जानकारी दिया जाएगा कि व्हाट इज़ EVM, EVM क्या होता है, ठीक है, और EVM कैसे वर्क करता है, EVM में क्या क्या भाग होते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और EVM से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है, यानी जो EVM है हमारा वो है क्या और वो वर्क कैसे, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हमको बताया जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि EVM क्या है, यानी व्हाट इज़ EVM। शायद आप में से बहुत से लोगों ने EVM का इस्तेमाल भी किया होगा और वोट देने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि मतलब असल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या, ये काम कैसे करता है। यदि आपको इन सवालों के जवाब मालूम है तो आपका यह आर्टिकल मालूम नहीं है तो यह जो मैंने आर्टिकल हम यह आर्टिकल जो लेके आए हैं यह आपको बहुत ही रोचक लगने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम मतदान वोटिंग मशीन के विषय में और जुड़ी सभी चीज़ों को की जानकारी अच्छी तरीके से समझेंगे। यानी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भाग क्या क्या होते हैं और आखिर में होती कैसे है, ठीक है। तो इस प्रकार के जानकारी को यहाँ पर दिया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि EVM का फुल नेम क्या होता है, यानी EVM का फुल फॉर्म होता क्या है। तो E फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, V फॉर होता है वोटिंग, M फॉर होता है मशीन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। यह एक मशीन होता है जिससे कि कोई मतदाता अपना मत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, यानी इस मशीन के द्वारा हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत दे सकते हैं। इस मशीन में अलग अलग प्रतिनिधियों के लिए सेपरेट बटन नियुक्त किए जाते हैं, यानी अलग अलग बटन जो है इसमें नियुक्त किए गए हैं। इसके इनके ऊपर उस पार्टी का चिन्ह भी होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जिस पार्टी का बटन दबाना है उस पार्टी का चिन्ह भी दिया गया होता है, ठीक। और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स के साथ केबल के माध्यम से कनेक्टेड होती हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स होता है और उसी से जो होता है केबल तार के द्वारा ये कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक EVM में दो यूनिट होते हैं, यानी एक EVM जो हमारा होता है वह दो यूनिट का बना होता है, ठीक है। एक हमारा होता है कंट्रोल यूनिट, यानी एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, और एक को बोलते हैं बैलेटिंग यूनिट, ठीक है, यानी कि एक बैलेट यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, दोनों एक दूसरे के साथ में एक फायर मीटर केबल के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और एक वोटर कोई बटन को प्रेस करता है तो इसके तो जो कि किसी कैंडिडेट का हो, इसमें मशीन आपको उसके लॉक कर देता है, यानी अगर हम लोग क्या करते हैं उसको दबाते हैं, उस बटन को दबाते हैं तो ये मशीन का काम करता है, उसको लॉक कर देता है, ठीक है। आगे क्या है कि ऐसे में EVM को ओपन करने के लिए एक नए बैलेट नंबर की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसे खोला नहीं जा सकता है। इसमें ये बात की श्योरिटी होती है कि EVM से ये इंश्योर करवाती है कि एक इंसान केवल एक ही बार वोट कर सकता है, यानी कि जो EVM हमारी होती है इसके द्वारा एक इंसान जो होता है वो किसी भी पार्टी को केवल एक बार वोट दे सकता है। आगे क्या है, EVM का इतिहास, यानी EVM का हिस्ट्री क्या है, EVM सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था और कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री है, इसमें ये बताया जाएगा। सन 1980 में एम बी हनीफा ने सर्वप्रथम इंडियन वोटिंग मशीन का आविष्कार किया था। इसे उस समय गैजेटेड यानी कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वोटिंग काउंटिंग मशीन का नाम दिया गया था, यानी ठीक है, कहने का मतलब जो EVM है आज जो है वह 1980 में MB हनीफा के द्वारा सबसे पहले आविष्कार किया गया था। इसको पहले कहते थे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वोटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, का नाम दिया गया था। उनके द्वारा बनाई गई ओरिजिनल डिजाइन को पहले पब्लिक को एग्जिबिटेड किया गया, यानी पब्लिक के सामने पहले दिखाया गया
देश के करीब 6 बड़े शहरों में ईवीएम्स को ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली कमीशनड किया गया, यानी ऑफिशियल रूप से इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। और फिर क्या हुआ, 1989 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उसे, मतलब उस समय इसे कोलैबोरेट किया गया, यानी एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। और बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ईवीएम्स के इंडस्ट्रियल डिजाइंस के साथ ईवीएम्स के इंडस्ट्रियल डिजाइंस थे। उसके बाद में क्या किया गया कि आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, कहे इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर के फैसिलिटी मेंबर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसका निर्माण किया। फिर उसके बाद में ईवीएम्स मशीन सबसे पहली बार भारत में किया केरला में, ठीक है, केरला में बाई इलेक्शन में हुआ, ठीक है, केरला में क्या हुआ, एक बाई इलेक्शन हुआ था, सबसे पहले वहीं स्टार्ट हुआ। तो ठीक है, ईवीएम का इस क्या कहते हैं स्टार्ट जो हुआ था भारत में, वो केरल में हुआ था, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेसिस में कुछ ऐसे सेलेक्टेड कंस्टिट्यूएंस ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली में इसका इस्तेमाल किया गया। कहने का मतलब ये कि राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर दिल्ली में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ईवीएम को लेकर हमेशा कोई ना कोई खबर अखबार में ज़रूर होती है, वैसे तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन श्योरिटी को लेकर कई ऑफिशियली पार्टी ने कई बार उस पर सवाल उठाए हैं। इसके चलते बहुत ही आवश्यक हो गया है कि इसे भी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में थोड़ी बहुत जानकारी हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हमको थोड़ा ना थोड़ा जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इससे हमें इसे समझने में और काम करने के तरीके को जानने में बहुत आसानी होती है। वहीं चूंकि बहुतों ने इसके ऊपर सवाल उठाए, यानी कहने का मतलब बहुत लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आने वाले 2019 इलेक्शन तक, यानी जो अभी चुनाव चल रहे हैं तक, नए एडवांस ईवीएम्स का इस्तेमाल करने के विषय में सोचा है। यानी कि जो इस समय चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या बताया गया है कि 2019 यानी अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें नए एडवांस ईवीएम्स का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आज मैं सोच रहा था कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक मतदान के बारे में आपको कुछ ना कुछ बता दिया जाए, ठीक है, और उसके बारे में जानकारी मुक्त। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके बारे में क्या, इसके कुछ खूबियाँ हैं, कुछ जानकारी है, ठीक है। उसके बाद नंबर एक क्या है कि यह बिल्कुल छेड़छाड़ मुक्त होता है, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसे ऑपरेट करना भी बहुत ही सरल होता है, यानी ईवीएम को ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है। इसे कुछ प्रकार से प्रोग्राम किया गया है जिसे कई बार में वोट देने के बाद आप जितना भी चाहें वोट समान कैंडिडेट को नहीं दे सकते, यानी यदि आप चाहें कि हम लोग एक से अधिक वोट दे दें तो एक से अधिक वोट नहीं दिया जा सकता है। नियंत्रण इकाई के कार्मों यानी कामों को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम एक बार प्रयोग सॉरी प्रोग्राम बनाने योग्य आधार पर माइक्रोचिप में नष्ट कर दिया जाता है। नष्ट होने के बाद इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इसे कॉपी नहीं हो सकता है और बदला नहीं सकता, यानी कहने का मतलब अगर एक बार हम लोगों ने वोट दे दिया तो इसको दोबारा भी बदला नहीं जा सकता है। इसमें स्विच माइक्रोचिप को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसमें एक बार प्रोग्राम करने के बाद में केवल एक ही कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ना तो कोई बदलाव लाया जा सकता है और ना कोई कॉपी किया जा सकता है, इसलिए सिक्योरिटी की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। यानी कहने का मतलब यह है इसमें ना तो कॉपी किया जा सकता है और ना इसके बदलाव को, इसमें किसी चीज़ को नष्ट किया जा सकता है। अगला हमारा है कि ईवीएम मशीनों में अवैध मतों की संभावना बहुत कम होती है, यदि चाहें तो हम लोग गलत वोट भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, इसमें जनगणना प्रक्रिया में तेजी आती है। इसके मतलब कहने का मतलब पहले क्या होता था भाई, अगर पेपर से करते थे वो तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब क्या होती है, इससे जनगणना करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हाथ में मुद्रण लागन घटाती है, यानी कहने का मतलब है साथ में जो होता है ये मुद्रण लागन है, हम लोग गिनती वाली लागत जो होती है वो घटा भी देती है, ठीक है। आगे क्या है कि ईवीएम मशीन बैटरी से संचालित किया जाता है, ये बिना बिजली वाले इलाकों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार की संख्या 64 वर्ष से अधिक नहीं होती है तब ऐसे स्थानों पर ईवीएम के इस्तेमाल से चुनाव कराए जा सकते हैं। यदि कहीं किसी किसी अगर जगह पर क्या होता है उम्र 64 से अधिक होती है तो वहाँ पर क्या होते हैं चुनाव जो है इसके द्वारा कराए जा सकते हैं, और अधिक है तो नहीं कराए जा सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या है कि इस मशीन में अधिकतम जो है
3840 वोट दर्ज कर सकती है, यानी कि अधिकतम है वो 3880 वोट को इसमें दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यह हमारा कहाँ बनी, कहाँ पर स्टार्ट किया गया। वह ईवीएम को पहली बार गोवा के जनरल इलेक्शन यानी पूरे राज्य में इस्तेमाल किया गया वो सन था 1999, यानी 1999 में गोवा में संपूर्ण तरीके से इसके द्वारा इलेक्शन हुआ। वहीं 2003 तक सभी सभी बाई इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन में ईवीएम्स का प्रयोग होने लगा, यानी गोवा के बाद में सभी जगह इसका प्रयोग होने लगा। ठीक है, बाद में 2004 में इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम्स का इस्तेमाल लोकसभा इलेक्शन में करने का निर्णय किया, करने को तय किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ईवीएम किस तरीके से होता है और ईवीएम की मशीन में कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं और उसके बारे में समझते हैं। वैसा कि सब लोग को मालूम है, सभी लोगों ने नोट दिया है, ठीक है, लेकिन मैं दिखा देना चाहता हूँ ईवीएम मशीन कुछ इस तरीके से होती है। जैसा कि इसमें ये हमको ये बताया गया बैलेट यूनिट, ठीक है, ये वाला कौन सी यूनिट होती है, ये वाली जो यूनिट दिखाई गई है ये हमारी बैलेट यूनिट होती है और ये वाली जो मशीन हमारी होती है वो हमारी कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट होती है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसको क्लिक करते हैं वैसे कंट्रोल यूनिट में वो हमारा क्या होता है, जा करके लॉक हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चित्र दिखाया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल की 90s को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं और आने वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।